नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एसटीडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने जीन पियाजे जो इनका सिद्धांत कहलाता है संज्ञान विकास का सिद्धांत, हम सभी बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले और सीखने वाले। दोस्त, तो आप सभी को पता है कि यहां से जीन पियाजे की बात करें तो आप सभी से जहां भी सीडीपी पूछी जाती है वहां पर बात करें जीन पियाजे का क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात करें जीन पियाजे का जो सिद्धांत कराता है उससे हम सभी को पता है संज्ञान विकास का सिद्धांत है। और इनके सिद्धांत की बात करें तो इनके सिद्धांत में चार स्टेज की बात करते हैं, संवेदी गामक अवस्था, बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हम सभी पूरे जीन पियाजे से संबंधित जो पूरा पहले जानकारी गेन करेंगे उससे संबंधित जो उनका सिद्धांत था जिसमें स्टेज उन्होंने बताया था उससे संबंधित हम सभी गुण को देखेंगे। और बात किया उसके बाद हम सभी देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन, कुछ होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे आप सभी के सामने जो इनके सिद्धांत पर आधारित ही क्वेश्चन होंगे। तो बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझना भी है दोस्त। और एक बार आप सभी सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। और बात करें तो सबसे पहले आप सभी के सामने एक इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन हिंदी की इंडिविजुअल क्लास के बारे में। और आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा, एक साल की वैधता के साथ आप सभी को प्रोवाइड होगा दोस्त। और 130 प्लस घंटे की क्लास होगी और आप सभी के सामने दो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप सभी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं और अपना समस्या का निराधार कर सकते हैं दोस्त। तो सबसे पहले बात करेंगे जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे का परिचय की बात करेंगे। तो जीन पियाजे की परिचय की बात करें दोस्त, तो आप जानते हैं जीन पियाजे का परिचय हम देखेंगे, जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया। तो हम जानते हैं जीन पियाजे ने दो सिद्धांत दिया, कौन कौन सा, जो एक संज्ञान विकास का सिद्धांत दिया, एक नैतिक विकास का सिद्धांत, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संज्ञान विकास का सिद्धांत कहलाता है, उसे हम अच्छे से समझने वाले हैं जो आप सभी के पेपर में खूब पूछा जाता है। बात करें जीन पियाजे की, बात करें तो जीन पियाजे कहां के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और बात किया जाए तो यह मनोवैज्ञानिक बनने के पहले क्या थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे। क्या थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे। आप सभी से पूछा जाता है कि जीन पियाजे जब मनोवैज्ञानिक नहीं थे उसके पहले जंतु वैज्ञानिक थे, ऐसा भी कभी कभी पूछा गया है, तो क्या थे, तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड निवासी जंतु वैज्ञानिक थे। और बात करें इनका कहना कहने का अर्थ था, इनके द्वारा जो कहा गया उन्होंने कहा कि बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद से करता। और खूब पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने क्या कथन कहा, या कथन आप सभी के सामने होता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जिसका स्वयं से खुद से अपने ज्ञान का सृजन करता है, या किसने कहा, तो आप जान बताएंगे जीन पियाजे ने कहा। बहुत पूछा गया पेपर में है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको देखने को मिलता है। बात करें जीन पियाजे, इसलिए पियाजे के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, पियाजे के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक रचनात्मक एवं निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, संज्ञान में रचनात्मक निर्मितवाद का भी सिद्धांत भी कहते हैं। बात करें जीन पियाजे अपने ही तीन बच्चों पर लगभग 30 वर्षों के अध्ययन करने के बाद यह सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत, जो संज्ञान विकास का सिद्धांत था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी उन्होंने दिया था, उन्होंने अपने ही बच्चों पर 30 वर्षों तक अध्ययन किया और अध्ययन करके इस संज्ञान विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था। तो ये तो बेसिक नॉलेज था आप सभी के सामने। बात करें दोस्त, तो बात करेंगे संज्ञान विकास का गहन अध्ययन करने की वजह से। देखिए संज्ञान विकास का गहन अध्ययन करने की वजह से जीन पियाजे की बात करें तो क्या बोला जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। अगर आपसे पूछे जीन पियाजे को बात करें, अगर आपसे पूछे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप बताएंगे जीन पियाजे हैं। क्या, पेपर में कई बार पूछा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। बात करें पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। उन्होंने उनके द्वारा कहा गया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, या आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं, तो आप जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो आप बताएंगे अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं जीन पियाजे कहते हैं। उनके सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत में कितने चरण थे, चार चरण है उनके सिद्धांत में, चार चरण है आप सभी को पता है। वह चारों चरण क्या कहलाता है, संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, मूल संक्रियात्मक, बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बात करें जिन्हें गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ाया जाता है, कई बार पूछा गया है कि इन्हें किस आधार पर आगे बढ़ाया जाता है, तो आप बताएंगे गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ाया जाता है। बात करें किसी भी चरण को ना छोड़ा जा सकता है और ना ही किसी चरण का क्रम बदला जा सकता है। जो इनका क्रम है, चारों स्टेज जो दिया गया इनके द्वारा, वह किसी भी आधार पर ना आगे पीछे किया जा सकता है, ना बात करें किसी स्टेज को छोड़ा जा सकता है। बात करेंगे दोस्त आगे, बात करें तो देखिए बात करेंगे हम सभी स्टेज की बात करने वाले हैं, जो जीन पियाजे का स्टेज था, स्टेज की बात करें, चरण की बात करेंगे।
और स्टेज में बात करें तो आप सभी जानते हैं इनका, इनके द्वारा कितने चार स्टेज में सिद्धांत दिया गया था, और जिसका नाम है दोस्त जानते हैं आप सभी संवेदी गामक या संवेदी पेशी, या फिर बात करें इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था, या इसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। जो इसका एज की बात करें तो आप जानते हैं अभी कि जन्म सिद्ध वर्ष होता है, कितना होता है जन्म सिद्ध वर्ष, और कई बार आप सभी के पेपर में पूछा गया है कि जो पहला स्टेज है उसका एज कितना होता है, तो याद एज भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो दोस्त बात करें इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है जो पहले स्टेज है, इसमें बात करें वास्तु स्थायित्व पाया जाता है, और बात किया जाए मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार जैसे हंसना रोना बोलना, ध्यान देंगे वस्तु स्थायित्व क्या होता है। जब वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है बच्चा कोई वस्तु देखता है तो उसके सामने कुछ देर तक उसका प्रतिबिंब बना होता है। जैसे बात करें कभी कभी आप देखते हैं फोन चलाते रहते हैं तो कभी कभी फोन को पीछे घुमा लेते हैं तो कहते हैं बेटा देखो फोन गायब हो गया, तो तब भी फोन के पीछे आकर के आपके पीछे आकर के क्या करता है उसको देखने का प्रयास करता है, तो वही वस्तु स्थायित्व कहलाता है। क्या वस्तु स्थायित्व? जो वस्तु को उसके माइंड में बना रहता है वस्तु स्थायित्व कहलाता है। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार जिसे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होकर वह व्यवहार करता है, जैसे हंसना रोना बोलना जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित वह इस प्रकार का व्यवहार करता है। प्रवृत्ति क्रिया की बात करें जो बार बार देखिए जिस कार्य करने में बच्चे को मजा आता है उसी कार्य को बार बार करता है जिसे बोलते हैं प्रवृत्ति क्रिया। प्रवृत्ति क्रिया जैसे बात करें कोई बात आप कहते हैं तो बेटा लड़का भी क्या करता है दोहराता है, तो क्या होता है उसको अच्छा लगता है उसको दोहराने में, तो इसलिए प्रावर्ती जिसको कार्य करने में उसे अच्छा लगेगा उसी को बोला जाता है प्रावर्ती क्रिया। अनुकरण की बात करेंगे तो जिसमें मापा दाबा इस तरह के अनुकरण करने की आदत धीरे धीरे शब्दों को बोलने की आदत धीरे धीरे जागृत होती है। बात करें स्मृति आधारित अधिगम एवं मानसिक निरूपण जो स्मृतियों पर आधारित होकर क्या अधिगम करता है, और इंद्रिय आधारित क्या करता है अधिगम करता है, या बहुत महत्वपूर्ण विशेषता आप सभी के पेपर में खूब पूछा जाता है। लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से है, वस्तु स्थायित्व खूब पूछा जाता है, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, और बात करें प्रवृत्ति क्रिया, यह तीन आप सभी के पेपर में बहुत पूछा जाता है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे बात करेंगे दोस्त बात करें दूसरी अवस्था का, बात करें जिसे हम जानते हैं पूर्व प्राग संक्रियात्मक अवस्था जिसे बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज की बात करें तो 2 से 7 वर्ष होता है। इसमें से बात करेंगे क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, बात करेंगे अविलोमिता पाया जाता है, संरक्षण का अभाव होता है, केंद्रीकरण होता है, जीवाद होता है, गिनती वर्णमाला क्रम आदि का शुरुआत, और फिर बात करें दूसरों के दृष्टिकोण को समझ पाने में असफल और अहम केंद्रता। ध्यान देंगे अविलोमिता क्या होता है, जैसे रिवर्सिबिलिटी का गुण उसमें नहीं होता है, जैसे कोई शब्द आप बताते हैं कोई चीज बताते हैं तो उन चीजों को रिवर्स नहीं कर पाता है, जैसे आप जब तक उसके दिमाग में रहेगा जब वह बताएंगे तभी तक उसके दिमाग में रहता है, जब आप उससे पूछेंगे तो आपने आपको रिवर्स करके बता नहीं पाता है, इसे बोला जाता है क्या अविलोमिता। संरक्षण का अभाव का मतलब वह किसी शब्द को कंजर्वेशन नहीं कर पाता, संरक्षित नहीं कर पाता है, इसलिए संरक्षण का अभाव होता है। सारी की सारी चीजें आप सभी के पेपर में पूछी गई है। केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर फोकस होकर करके क्या करता है कार्य करता है। जीवाद का मतलब होता है जब आप बच्चा क्या करता है निर्जीव को सजीव समझता है, जैसे कभी कभी देखते होंगे छोटा बच्चा है चल रहा है कोई खिलौना लिया है तो खिलौने को क्या कहता है, कहता है मम्मी पापा आप हट जाओ नहीं तो हमारा खिलौना अभी जो हमारा हाथी है वो दबा देगा मार देगा पीट देगा। इस तरह का मतलब क्या होता है, जब बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है तो उसे बोला जाता है जीववाद। गिनती वर्णमाला क्रम आदि की शुरुआत धीरे धीरे गिनती उनती करना सीखना शुरुआत कर देता है 2 से 7 वर्ष की एज में। दूसरे के दृष्टिकोण को सफल पाने में समझ पाने में क्या होता है असफल होता है, मतलब बात किया जाए तो दूसरे का जो दृष्टिकोण है जो हम समझते हैं जो हमारा अच्छाई जो हम जानते हैं कि इसके इससे कार्य नहीं करना चाहिए तो बच्चा या नहीं समझ पाता क्यों नहीं करना चाहिए, तो जो दूसरे का दृष्टिकोण है उसे समझ पाने में क्या होता है असफल होता है। और बात करें अहम केंद्रता, अहम केंद्रता का मतलब होता है जब बच्चा स्वार्थी स्वभाव से, मतलब जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की एज में होता है तो स्वार्थी होता है अपने वस्तु को किसी को देना पसंद नहीं करता है। तो दोस्त बात करें आप सभी के पेपर में खूब पूछा जाता है, जिसमें से बात करें अविलोमिता संरक्षण का अभाव केंद्रीकरण सारे के सारे आप सभी के पेपर में पूछे गए हैं, और आप सभी के सामने यही नाम दे देगा और पूछ लेगा किस अवस्था की विशेषता है तो आप बता देंगे दूसरी अवस्था की विशेषता है। चलेंगे हम सभी बात करेंगे ध्यान देंगे अगला तीसरे स्टेज की बात करते हैं, जो तीसरा स्टेज था जिसे हम जानते हैं मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज की बात करें 7 से 11 वर्ष होता है, यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए, एज भी आपको याद होना चाहिए विशेषताएं भी याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। बात करेंगे विलोमिता का गुण पाया जाता है, विलोमिता का मतलब अब रिवर्स अपने आप को कर लेगा, जैसे कोई चीज बताए और उसके सामने से हटा दिए तब भी बच्चा क्या करता है बता ले जाता है।
संरक्षण भी कर पाता, संरक्षित कर लेता है, जिसमें गंजर बेसन का गुड़ आ जाता है, जिसे आप बोलते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 कोई गिनती बोलते हैं तो बच्चा फिर अब बोलते हैं बेटा अब एक काम करो तुम बोलो जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो अभी बोलता है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब गिनती सही क्रम से बोलने लगता है। जिसे कोई चीज आप बताते हैं तो क्रमबद्धता जैसे बताया था आपने वैसे बोलना शुरू कर देता है, लेकिन इसके पहले क्या करता है वह संरक्षित नहीं कर पाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब जैसे आप सभी के पेपर में खूब पूछा जाता है कि दो प्रकार के दो समान प्रकार के गिलास है जिसमें से बराबर पानी भरा हुआ है, दो अलग गिलासों में शिक्षिका क्या करती है पलट देती है और इसके बाद पूछती है अब बताइए किस गिलास में ज्यादा पानी है, तो बच्चा कहता है जो लंबा गिलास है उसमें ज्यादा पानी है, तो इसका मतलब विकेंद्रीकरण होता है राइट ऑप्शन। बात करें श्रृंखला का मतलब है एक सीरीज में लगाना, क्रम से लगाना, सीरीज में लगाना बच्चा सीख जाता है। जो श्रृंखला है, श्रृंखला का मतलब जैसे आप तो कौन से सीरीज में किसको रखना है या भी जब समझ जाता है। गणितीय संक्रिया का मतलब है जो गुणा प्लस माइनस गुणा भाग की जो गणितीय संक्रियाएं हैं वह भी बच्चा करना शुरू कर देता है। वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन, बच्चा जैसे बात करे कोई वस्तु है तो छोटा वस्तु है तो उसे उस क्रम में रखेगा, उस वर्गीकरण में रखेगा, उससे बड़ा तो अलग में रखेगा, उससे बड़ा तो अलग रखेगा, तो वर्गीकरण भी करना सीख जाता है। बाकी तार्किकता की शुरुआत, अब क्या करेगा बच्चा तर्क करने की धीरे धीरे शुरुआत होता है। अगर आपसे पूछा जाए तर्क करने की शुरुआत किसमें होता है या तार्किक आरंभ किस अवस्था में करता है तो आप बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या 7 से 11 वर्ष की एज में, सारे के सारे आपको दिमाग में रखना है। तो तार्किकता की शुरुआत, समानता एवं अंतर, क्या इसमें समानता है, क्या इक्वलिटी है, क्या इसमें बात डिफरेंट है, या भी बच्चा करना है प्रारंभ कर देता है, समझ जाता है कि क्या समानता है क्या अंतर है, या भी सीख जाता है। तो ये सारे के सारे आप सभी के पेपर में खूब पूछे जाते हैं, दूसरा और तीसरा स्टेज ही खूब पूछा जाता है पेपर में। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने को बहुत सारा मिलता है। बात करें अगले बात करेंगे तो चौथी अवस्था की बात करें, चौथा अवस्था क्या कहलाता है, चौथी अवस्था की बात करें तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, और इसकी एज की बात करें तो 11 से 15 कहलाता है। कितना, 11 से 15 कहलाता है दोस्त। तो अमूर्त चिंतन इसमें होता है, औपचारिक चिंतन होता है, परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, तार्किक चिंतन करता है, और इस सारे गुण के बात किया जाए तो आप जानते हैं क्या होता है अमूर्त चिंतन, मतलब सामने वस्तु न रहने के बावजूद भी उस वस्तु के बारे में चिंतन करने लगता है जब 11 से 15 वर्ष में होता है। अब सारी चिंतन तो कई तरीके से बच्चा सोचने लगता है किसी किसी बिंदु पर किसी वस्तु के बारे में कई तरीके से सोचता है, जिसे हम जानते हैं अब सारी चिंतन। परिकल्पनात्मक चिंतन की बात करें, किसी बात पर इमेजिनेशन करने लगता है, परिकल्पना करना शुरू कर देता है। तार्किक चिंतन बात करें, वह जो रीजनिंग बेस्ड जो थिंकिंग है उसमें भी क्या करने लगता है, वह भी करना प्रारंभ करता है, तो शुरुआत हो जाती है। बात करें आप सभी के पेपर में यह भी पूछा जाता है, इस बात को भी आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। करें कि पियाजे के अनुसार बच्चे के सीखने के लिए उसके वातावरण के साथ, उसके वातावरण के साथ खुद के अनुभव जरूरी है, ना कि समाज। ध्यान देंगे, जीन प्याजे कहते हैं बच्चे को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बच्चे को आप क्या करें वातावरण दे दें, एक माहौल दे दें, बच्चा अपने आप क्या करता है सीख जाता है। खूब पूछा जाता है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, तो आप बताएंगे जीन प्याजे ने कहा है। अगर आप बोला जाए कि बच्चा परिपक्वता पर कौन जोड़ देता, तो जीन प्याजे जोड़ देते हैं। अनुकूलन की बात कौन करता है, तो प्याजे बात करते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे दोस्त बात करेंगे, आगे बात करें स्कीमा, इनके कुछ शब्द को हम देखते हैं, इनके कुछ शब्द की बात करें जिसे हम जानते हैं। स्कीमा प्रारूप या योजना भी बोला जाता है, या किसे बोला जाता है, कुछ शब्द है उसके बारे में भी सीखेंगे। तो बच्चे की जो सूचनाओं का भंडार, बच्चा जो सूचनाओं का भंडार गृह जहां अपनी सूचनाओं सजे कर या सजो कर एक निश्चित योजना के अनुसार रखता है। जैसे आपको मैंने कुछ चीजें बता रहा हूं, लगातार मैं आपको समझा रहा हूं, जिस जहां पर आपने माइंड में ले जाकर आप क्या कर रहे हैं उसको संरचित कर रहे हैं, सेट कर रहे होंगे, कहीं पर डाटा फीड कर रहे होंगे, तो वही क्या बोला जाता है, स्कीमा बोला जाता है। तो ऐसे जीन प्याजे कहते हैं जहां बच्चा अपने ज्ञान की सूचनाओं को ले जाकर भंडारित करता है, स्थित करता है, स्थापित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। और बहुत पूछा गया स्कीमा किसका शब्द है, तो आप बताएंगे जीन प्याजे का। और आपसे संबंधित पूछ रहे स्कीमा का क्या मीनिंग होता है, तो आप बता पाएंगे। चलिए अनुकूलन की बात करेंगे, अनुकूलन की बात करेंगे, एडॉप्शन की बात करेंगे, क्या होता है एडॉप्शन बात करेंगे, इसमें ध्यान देंगे। अनुकूलन की बात करें, जानकारी की जरूरत को अनुसार क्या करना, ढालना। देखिए अनुकूलन होता ही यही है कि अपने जरूरत के अनुसार जब हम ढल जाएं
तो उसे बोलते हैं अनुकूलन। जब जरूरत जैसा हो उसी हिसाब से हम क्या करें, अपने आप को ढाल ले जाए, उसी को बोला जाता है अनुकूलन। अनुकूलन को दो भागों में बांट दिया, किसने, जीन प्याजे ने। जीन प्याजे ने दो भागों में बांटा, जिसमें से बात करें एक को बोला आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण को क्या बोला, समावेशन बोला। दो ही की शब्द है जिसे जिसे हम आत्मसाती या जिसे हम बोलते हैं समावेशन। और दूसरा क्या बताया जीन प्याजे ने, दूसरा बताया भैया समायोजन बताया, समायोजन बताया। दो शब्द बताए, एक समावेशन बताया, समावेशन को आत्मसाती बताया, और समायोजन एक शब्द बताया, जिसमें से बात करें समावेशन में बताया कि पुरानी जानकारी को हम महत्व देते हैं, जो पुरानी जानकारी है उसे महत्व देंगे, और समायोजन में किसको महत्व देंगे, नई जानकारी को ध्यान देंगे। इसमें पुरानी जानकारी को, इसमें नई जानकारी को, इसमें पुरानी सूचना में नई सूचना को क्या जगह देना। कोई आपके पास जानकारी, जैसे आपके पास जितनी भी जानकारी होंगी जिन प्याजे संबंधित, मैं जो आपके पास जानकारी दे रहा हूं उसी में ले जाकर के आप मिला रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समावेशन बोलते हैं, जिसे आत्मसातीकरण। मतलब पुराना जानकारी आपके पास है वो तो रहे ही, उसी में जो नई जानकारी ले जाकर आप ले जाकर शेयर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं समावेशन, जिसे आत्मसातीकरण। जैसे दोस्त बात करें उड़ने वाली सभी पक्षियों में तोते के बाद गौरा भी शामिल करना, जैसे हर पक्षी को कौवा समझना। जैसे जैसे कोई ध्यान देंगे, जैसे आपने चार पैर वाला कोई घोड़ा जाते हुए देखा, अब आप घोड़े को देखे उसके तहत आप ऊंट को भी देख लीजिए, तो आप कहें देखो ऊंट जैसा है वैसा घोड़ा है, तो जब चारों पैरों से आप संतुलन समझ रहे हैं, सिर्फ जब उसमें सिर्फ क्या करें, जैसे ऊंट है और घोड़ा है, ऊंट को देखेंगे तो धीरे धीरे ऊंट जो चलेगा धीरे धीरे चलेगा और घोड़ा स्पीड के साथ चलेगा। जब आप पैरों की तुलना करेंगे, जैसे ऊंट के पास भी चार पैर हैं, घोड़े के पास चार पैर हैं, जब आप दोनों उसके पैरों से आप तुलना करके चीजें समझ रहे हैं, तो आपने पहले तो घोड़े देखे हैं, तो इसके बाद में आपने ऊंट देखा, जब पहले आपने घोड़ा देखा बाद में ऊंट देखा, तो आप सिर्फ पैरों के बाद से तुलना करके अपने ज्ञान को समर्पित कर रहे हैं, तो समायोजन कर समावेशन कर रहे हैं। अगर जब आपने देखा कि देखिए घोड़े को आपने देखा तो घोड़ा बहुत स्पीड से जा रहा था, ऊंट को देखा तो आप स्लो जा रहा था, स्लो धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन पैर तो दोनों है, दोनों के पास चार चार ही पैर है, लेकिन स्पीड क्या है, दोनों में अंतर है। स्पीड घोड़े में क्या थी, स्पीड ज्यादा है, ऊंट में क्या है, स्पीड कम है। जब आप अब अंतर कर पा रहे उसकी स्पीड के माध्यम से, तो आप क्या कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वह समायोजन कर रहे हैं। समावेशन में क्या होता है, समावेशन में पुरानी जानकारी को बहुत पूछा जाता है, ध्यान देंगे गलती करते हैं आप सभी। समावेशन में पुरानी, समायोजन में नई जानकारी। पुरानी इसमें क्या करते हैं, इसमें बात करें तो आप ले जाकर उसी पुरानी जानकारी में सेट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, अंतर करते हैं। यही आप सभी से माध्यम है, यही से आपको समझना है। आगे दोस्त बात करेंगे, आगे बात करेंगे, एक उन्होंने बताया साम्यकरण या संतुलन या साम्य धारणा। एक संबंध बताया शब्द का, जब बच्चे की सूचनाओं में कोई विरोध ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलन कहेंगे। जैसे जो भी आपके पास जानकारी, मान लीजिए कुछ भी जीन प्याजे के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो हम जो भी आपको जानकारी बता रहे हैं, ना उसमें पुरानी कोई आपके पास जानकारी थी, ना आपके पास कोई नई जानकारी थी, ले जाकर के आप जीन प्याजे संबंधित जितनी भी जानकारी थी, पहले आप जीन प्याजे का नाम ही नहीं सुने थे, अब ले जाकर अपने माइंड में सेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप साम्य धारण कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, संतुलन कर रहे हैं, या साम्य धारण या साम्यकरण कर रहे हैं। ध्यान देंगे बहुत महत्वपूर्ण है, यह सारे की सारी चीजें क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे तो जीन प्याजे के सिद्धांत की बात करें, जीन प्याजे ने तीन प्रकार का सिद्धांत दिया है, कितने प्रकार के, तीन प्रकार का सिद्धांत दिया है, और उनके पुस्तक की बात करें, बुक भी उनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें से बात करें भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार के सिद्धांत पर उन्होंने एक बुक लिखी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। क्या लिखा, लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड लिख देंगे यहां पर, चाइल्ड लिखे, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। और बात किया जाए जो नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था, उसमें क्या लिखा था, उस पुस्तक का क्या नाम था, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। अगर आपसे पूछें द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में उनके द्वारा किस प्रकार का सिद्धांत दिया गया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर आपसे पूछे लैंग्वेज और थॉट ऑफ ए चाइल्ड में किस प्रकार का सिद्धांत दिया, भाषा और विचार पर सिद्धांत दिया था। अगर पूछे द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड किस पर दिया था, वह संज्ञान विकास के सिद्धांत पर दिया था। यह पुस्तक में ध्यान देंगे, इन सारे पुस्तकों में अपना सिद्धांत उन्होंने दिया था। जब आपको पढ़ना हो, ज्यादा अच्छे से जानकारी लेनी हो, तो आप इन पुस्तकों को खरीद करके इनके बारे में समझ सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, आगे बात करेंगे, हम सभी बात करेंगे आप सभी के सामने
आज कुछ प्रश्न होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आप सभी ने जिन प्याजे से संबंधित जितनी भी जानकारी थी उसे मैंने आपको बता दिया है। अब आपको समझना इन सारे विशेषताओं को, क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम बताएंगे और आपको राइट आंसर बताना रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहे जीन प्याजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच होता है, या फिर संरक्षण पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, या अमूर्त सोच का विकास, या विचार सोच में केंद्रीकरण। ध्यान देंगे दोस्त, आप जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सा स्टेज है, तो आप जानते हैं दूसरा स्टेज है। दूसरे स्टेज की बात करें एज कितनी होती है, तो आप जानते हैं 2 से 7 होती है। कितनी होती है? 2 से 7 होती है। दूसरा 2 से 7 वर्ष होता है। अब आप जानते हैं परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, मैंने आपको बताया चौथा स्टेज है, तो यह हो नहीं सकता। संरक्षण पदार्थों को क्रम में लगाना, तो यह तीसरा स्टेज है, यह भी नहीं होगा। अमूर्त सोच का विकास, यह भी जानते हैं चौथे स्टेज में मैंने बताया था, लेकिन जो डी होगा वह राइट होगा। क्यों? केंद्रीकरण का जो गुण होता है वह दूसरी अवस्था में पाया जाता है। आप सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जब आप पीछे जाकर के अच्छे से देख सकते हैं क्वेश्चन। आप सभी को मैंने व्याख्या को समझा दिया, क्वेश्चन कैसे पेपर पूछे गए हैं, इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। आगे बात करेंगे, ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा, कर जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कैसे सोचते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है, इसका मतलब है चौथे स्टेज की बात कर रहा है, और चौथे स्टेज की बात करें तो आप जानते हैं 11 से 15 एज होता है, 11 से 15 इसका एज होता है। अब आप सभी से पूछ रहा संरक्षण होगा, करक इस संरक्षण या फिर वर्गीकरण या श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, या प्रतीकात्मक या सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, या कर परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगिप्ति चिंतन करने में समर्थ है, या बात करें केंद्रीकरण या अनुक्रमणीय सोच में आबद्ध है। ध्यान देंगे जो संरक्षण का गुण, वर्गीकरण का गुण, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, तीसरे अवस्था में ही डेवलप हो जाती हैं। करके सक्षम नहीं है, इसका मतलब है कि आपके दूसरे, पहले दूसरे की स्टेज की बात कर रहा है, तो हम सभी को ढूंढना चौथी स्टेज की, इसलिए हमारा याद नहीं होगा। संरक्षण का गुण तीसरे अवस्था में ही आ जाता है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेल में भाग लेना, आप जानते हैं दूसरे स्टेज का गुण है। प्रतीकों के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से बच्चा किस अवस्था में सीखता है, वह दूसरे अवस्था में सीखता है। अब बात करें परिकल्पना निगमनात्मक तर्क की बात कर रहा है, इसका मतलब है जो परिकल्पना और निगमन करने की जो चिंतन का विकास हो जाता है वह चौथी अवस्था में होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इज द सी आंसर। तो हमारा क्या होगा, राइट होगा सी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच पर आबद्ध किसमें करता है, तो दूसरी अवस्था में, दूसरी स्टेज में करता है, इसलिए ना या होगा हमारा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन पर बात करें, प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे, आप सभी के सामने ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले के यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। करक की जीन प्याजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे क्या तर्क है? जीववाद का है, इंद्रियता का है, परिकल्पना निगमनात्मक का है, संक्रमण परिणाम निकालने की है। ध्यान देंगे 5 वर्षीय नसीमा, इसका मतलब है बच्ची दूसरे स्टेज में है, 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की, इसका मतलब दूसरे में है, इसका मतलब आप ध्यान देंगे 2 से 7 वर्ष में। 2 से 7 वर्ष का क्या नाम है दोस्त? आप जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, यह भी आपको ध्यान देना है। अब आप सभी के सामने यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप सभी पढ़ेंगे, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी की गोले दबाकर सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है? क्या जीववाद है? तो जीववाद नहीं होता, क्योंकि जीववाद तब होता जब सजीवता में क्या करती, निर्जीवता में सजीवता खोती, इसलिए जीववाद नहीं होगा, केंद्रीकरण होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भैया जो गोला वो छोटा था, गोले में था मिट्टी वो तो छोटा था, जब उसको हमेशा उसको लगता है जो लंबा है वही उसमें ज्यादा है। तो मिट्टी तो सेम है, सिर्फ मिट्टी को लंबा किया गया है, लेकिन तब भी कह रहे कि वह लंबे मिट्टी में ज्यादा, जब जो लंबा सांप है उसी में मिट्टी ज्यादा है। इसका मतलब उसके पीछे क्या सोच है? केंद्रीकरण का है, केंद्रता का है। परिकल्पना निगमनात्मक का कोई मतलब नहीं है, ना हमारा डी होगा ना हमारा सी होगा, राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे, कह रहा कि आपसे पूछा पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक, कह पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली में के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना
उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना, जोड़ना क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संगठन या परिपक्वता? क्वेश्चन आप सब दोस्त पढ़ लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और बताइए इसमें से क्या राइट हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, बताने की कोशिश करें आप सभी क्या इसमें से राइट होगा। आप बताएंगे दोस्त आपका इसमें से, बताएंगे दोस्त आपका इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है और बताने की कोशिश आप जरूर करेंगे, आप बताने की क्या करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे दोस्त। आप सभी के सामने प्रश्न संख्या 4 है और आप सभी बताएं क्या इसमें से राइट होगा। प्रश्न संख्या क्या है? 4 है। आप बताने की कोशिश करेंगे, आप बताने की कोशिश करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त हम जानते हैं समायोजन समावेशन में क्या होता है, ध्यान देंगे। समायोजन समावेशन में क्या होता है, ध्यान देंगे क्या होता है। तो समावेशन में होता था हम पुरानी जानकारी को महत्व देते हैं और समावेशन में क्या करते हैं, समावेशन में हम करते हैं पुरानी जानकारी, समायोजन में क्या करते हैं, समायोजन में नई जानकारी को महत्व देते हैं और नई जानकारी को महत्व देते हैं। जब बात करें समायोजन में क्या करेंगे, समायोजन में अंतर करते हैं, क्या करते हैं अंतर करते हैं। समायोजन में क्या करते हैं, अंतर नहीं करते हैं, बस जोड़ लेते हैं, ऐसा सारी चीजें हैं। तो या तो समायोजन समावेशन की बात नहीं कर रहा है, अनुकूलन के पार्ट की भी बात नहीं, जब अनुकूलन नहीं कर रहा तो इसका मतलब दोनों के अंतर्गत भी नहीं करेगा। परिपक्वता का कोई मतलब ही नहीं, इसका मतलब होगा वह सी ऑप्शन संगठन होगा। क्या होगा, क्योंकि ध्यान दें स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना क्या कहलाता है, पुनर्व्यवस्थित करना और स्कीमाओं से जोड़ना क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा। राइट ऑप्शन होगा सी द राइट आंसर। दोस्त प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे, आप सभी के सामने है। निम्न में से बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। करें कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक या फिर करें पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे, आप सभी के सामने है और आप सभी दोस्त बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। आप सभी से क्या पूछ रहा, मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, एकदम ठीक है, लेकिन कह रहा है कि वह कैसा होना चाहिए, सामग्री से संबंधित होना चाहिए ना कि प्रतीकों से। इसका मतलब क्या होगा कि आप अमूर्त सोच पर आधारित नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे इसमें से क्या होगा, अमूर्त सोच पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो यह 11 से 15 वाला तो नहीं होगा, क्योंकि समस्या स्वयं से क्या हो, संबंधित हो, तो अमूर्त सोच कर नहीं सकता, नया होगा, फर्स्ट नहीं होगा। संवेदी चालक की बात से ऊपर बात कर रहा है, इसका भी नहीं होगा। पूर्व का हो नहीं सकता, क्योंकि उससे भी ऊपर बातें हो रही, क्यों, क्योंकि मानसिक रूप से समस्याओं को हल करने की बात हो रही है, तो समस्याओं को तो हल कर लेगा, लेकिन उसके सामने क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए समस्या, तभी कर पाएगा। इसका मतलब होगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य होता है। करें कि प्रतिवर्तन या परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन या फिर अमूर्त चिंतन या फिर प्रतिज्ञापित चिंतन। आपसे कह रहा कि इसमें से आप दोस्त बताएं कि क्या कर पाता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो आप जानते हैं 7 से 11 वर्ष की बात करता है और 7 से 11 वर्ष की बात आपसे पूछ रहा है। तो परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक सोच किसमें करता है, चौथी अवस्था में करता है, तो 11 से 15 वाला है, इसका मतलब यह नहीं होगा। कर अमूर्त चिंतन आप जानते हैं, अमूर्त चिंतन कैसे चौथी अवस्था में करता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। प्रतिज्ञापित चिंतन यह भी करता है चौथी अवस्था में, यह भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा, प्रतिवर्तन होगा, रिवर्सबिलिटी होगा, मतलब आपको अपने आप को रिवर्स कर पाता है, जिसे बोलते हैं विलोमिता भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसे विलोमिता भी बोला जाता है, इसे विलोमिता भी बोला जाता है, अपने आप को रिवर्स कर लेता है, रिवर्सबिलिटी का गुण क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह इज द राइट आंसर। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के मैंने जो विशेषताएं बताए हैं अभी, ऑप्शन जो अभी मैंने आपको चीजें एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो इनकी अवस्थाओं के बारे में अच्छे से समझाया, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे, आप सभी के सामने। कर जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता हो जाती है। मैंने आपको बताया क्रम से लगाना सीख जाता है। क्या संवेदक पेशी है या पूर्ण संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। मैंने आपको बताया था क्रम से या श्रृंखला में लगाना क्या करता है, एक सीरीज में लगाना क्या करता है, बच्चा सीख जाता है। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, एक क्रम या सीरीज में लगाना बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। तो आप बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। मैंने आपको बताया था सीरीज में लगाना तीसरी अवस्था में सीखता है या श्रृंखला की बात करें। अगर आपको
थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां से ही आप सभी के लिए वह थ्योरी की क्लास है। आप थ्योरी आप अच्छे से आज सिद्धांत को समझे रहेंगे तभी आप प्रैक्टिस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि बच्चे के वस्तु को कहे गए क्रम में लगाने में योग्य होते हैं, इसका मतलब होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम जानते हैं दोस्त वह बोलते हैं क्या, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्रश्न संख्या 8 पर, कहे जीन पियाजे के अनुसार सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है वह क्या कहलाती है, परिष्कृत और परिवर्तित कहलाती है वह क्या कहलाती है, नकल उतारने जैसा व्यवहार या वस्तु स्थायित्व या समावेशन या फिर करें संतुलीकरण। आप बताएंगे प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे क्या इसमें कहलाता है, करेक्ट, जो हमारे संरचना मानसिक संरचनाओं को क्या करती है, परिष्कृत करती है और परिवर्तित करती है, वह क्या कहलाता है। तो समावेशन की बात करें तो समावेशन में परिष्कृत और नहीं करती, उसमें जोड़ती है, तो समावेशन नहीं होगा, जिसे आत्मसाती भी बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा, वह संतुलीकरण होगा, किंतु वह सुस्थायित का मतलब नहीं, वह सुस्थायित का मतलब होता है जब वस्तु को सामने से ओझल हो जाए हट जाए तो तब भी हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र बनना होता है, इसका ऐसा भी कोई मतलब नहीं। नकल उतारने जैसा व्यवहार, इसका मतलब अंकुरण, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्रश्न संख्या 9 की बात करें, करें किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, करें संवेदी चालक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान देंगे दोस्त, आपको पता है जब जीववादी सोच होती है इसका मतलब जीववाद का गुण किसमें आता है, जीववाद की बात करें तो आप जानते हैं दूसरा अवस्था है जिसका एज बोला जाए 2 से 7 वर्ष है, कितना है 2 से 7 वर्ष है, जिसकी एज की बात करें हम सभी जानते हैं 2 से 7 वर्ष, उसका नाम है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपसे पूछ रहा है जैसे उसको बच्चे को क्या लगता है, निर्जीव में सजीवता का भी गुण होता है, इसका मतलब होगा तो दूसरे स्टेज का गुण होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, चलिए ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10 पर, पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है, संतुलन कहलाएगा या अनुकूलन या परिपक्वता या सामाजिक प्रसारण। आप जानते हैं दोस्त कार्य के अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित, तो आप जानते हैं उनका द्वारा था परिपक्वता के पर जोड़ देते हैं, जब बच्चा अनुवांशिक रूप से परिपक्व हो जाएगा तो चीजों को अपने आप व्यवस्थित क्रम से सीख जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें इसमें राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन, क्या होगा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, या भी आपके दिमाग में होना चाहिए, या भी क्या होना चाहिए आपके दिमाग में होना चाहिए परिपक्वता। अगले क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 पर, ध्यान देंगे जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित चरण जिसकी विशेषताओं का सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, कह संवेदी पेशी अवस्था है, इसका मतलब पहली अवस्था का गुण पता रहा, कौन सा इसमें से सुमेलित चयन है, कर मानसिक प्रस्तरण से जूझना, तो मानसिक प्रस्तरण से जूझना मतलब चौथी अवस्था में होगा, ऐसा नहीं होगा, तो पहले की बात चौथे से कर रहा तो मिलान गलत है, कर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलान वस्तु स्थायित्व, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा है तो दूसरे से कर वस्तु स्थायित्व पहले का गुण होता है, तो यह भी नहीं होगा क्योंकि पहले एक दूसरे का दूसरे से मिलना चाहिए, जिसकी अवस्था उसी से मिलना चाहिए, कर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो संचालन क्रियाओं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। आगे बात करते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था करा की करने में असक्षम, ध्यान देंगे राइट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या कर लेता है, संचालन क्रियाएं कर लेता है, जो उसके सामने है मूर्त तौर पर उसे समझ लेता है, लेकिन बात करें अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता, वह क्या अमूर्त मूर्त कर पाएगा अमूर्त नहीं कर पाता, इसलिए जो हमारा राइट होगा वह राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। करके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथे स्टेज को बोला जाता है और चौथे के कारण प्रतिवर्ती क्रिया नहीं कर पाता, तो प्रतिवर्ती क्रिया तीसरे में ही कर लेता है, इसका मतलब है गलत होगा, ना हमारा डी होगा ना बी होगा ना ए होगा, राइट ऑप्शन इज द सी आंसर। ध्यान देंगे 12 नंबर क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 की बात कर रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, ध्यान दें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो आप जानते हैं 2 से 7 वर्ष बोला जाता है, कितना 2 से 7 वर्ष बोला जाता है, आपसे पूछ रहा अमूर्त सोच की क्षमता होती है क्या, कल लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता या पर दूसरे को नजरिया लेने की क्षमता होती है या परिकल्पनात्मक निगरानात्मक सोच, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें दोस्त तो आप जानते हैं ध्यान देंगे मैं अमूर्त जो सोच की क्षमता चौथी स्टेज में आती है चौथी अवस्था में, तो चौथी अवस्था की बात करें तो 11 से
से 15 होता है तो इसका मतलब हमारा ए नहीं हो सकता। कर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, राइट होगा। कर दूसरे का नजरिया लेने में क्षमता हो जाता है, तो दूसरे के नजरिया लेने में क्षमता तीसरी अवस्था में डेवलप हो जाता है, तीसरी स्टेज में, जिसे हम बोलते हैं अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। परिकल्पनात्मक निगरणात्मक सोच की क्षमता चौथे में होती है, चौथी अवस्था में होती है, चौथी अवस्था में होती है। तो हमारा जो पूछने का मतलब था, जो क्वेश्चन पूछ रहा था, वह 2 से 7 पूछ रहा था, 2 से 7 से अवस्थाओं से संबंधित हमें बताना था कौन सा राइट होगा, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे, आप ध्यान देंगे। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, शिक्षक का और किस प्रकार का बहुत जरूरी है। कर गतिशील लचीला होना चाहिए, या कर संरचित अनम्य होना चाहिए, या सहानुभूतिपूर्ण या पारदर्शी, या फिर यांत्रिक व्यवहारवादी होना चाहिए। ध्यान देंगे, पियाजे जो बात करते हैं शिक्षक की भूमिका जो बताते हैं, शिक्षक कैसा होना चाहिए, गतिशील और क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, गतिशील और क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा ए, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पियाजे क्या मानते हैं शिक्षक को, वह कहते हैं गतिशील और क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे। जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है, बात करें जो रचनावाद का नाम मैंने आपको बताया था, जिसका नाम क्या और भी है, संज्ञानवाद भी बोला जाता है, या इसे निर्मितवाद भी बोला जाता है। करके प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञान और विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार की प्रगति करते हैं। कर वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, कर अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं, कर दूसरों का अनुसरण करके, या फिर कर इनामों की प्रत्याशा करके। ध्यान देंगे जीन पियाजे क्या मानते हैं, जीन पियाजे कहते हैं बच्चा एक नया वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। बच्चा एनवायरमेंट से क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, या कौन मानते हैं, या कौन मानते हैं जब आप बच्चा यम के ओ से सीखता, कैसे, यम के ओ से, मेन मोर नॉलेजेबल अदर, जब बच्चा दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखता अपने से बड़ों से, तो इसका मतलब क्या होगा, या मानते हैं वाइबोत्स्की, कौन मानते हैं वाइबोत्स्की मानते, तो हमें किससे संबंधित खोजना था, वह दोष खोजना था जीन पियाजे से, इसका मतलब नहीं होगा। दूसरों का अनुसरण करके, दूसरों का नकल करके बात करें, दूसरों का नकल करके जीन पियाजे नहीं कहते हैं, ना यह होगा। और बात करें इनामों की प्रत्याशा करके, तो ऐसा भी नहीं मानते हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रश्न संख्या 15 की बात करेंगे, आप सभी के सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं, परंतु यह समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उसके निर्णय चीजों को मौजूदा गिरावट दिखावट पर निर्भर करती है। संवेदी चालक, या पूर्व संक्रियात्मक, या मूल संक्रियात्मक, या अमूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न संख्या बात करेंगे, प्रश्न किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं, मतलब वस्तु स्थायित्व की समझ पहले अवस्था में बन जाती है, परंतु यह समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उसके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, इसमें से आप बताने की प्रयास करेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण तो पहले में आ जाता है, पहली अवस्था में आ जाता है, लेकिन उससे क्या है, अगर सिर्फ यहां तक आपसे पूछता, यहां तक ही पूछता कर कहता किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं, तो हमारा हो जाता संवेदी चालक, जिसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर, इसमें हो जाता, लेकिन हम बात करें इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उससे आगे भी बात कर रहा है। अगर सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता कि उस स्थायित्व का गुण समझ बना लेते हैं, तो होता वो ए ऑप्शन, लेकिन नहीं, उसकी बात करें, परंतु यह समझ नहीं पाते कि परिवर्तनीय है और निर्णय जो है उनके निर्णय चीजों के मौजूदा ज्ञान पर दिखावट पर निर्भर करती है। इसका मतलब है राइट ऑप्शन होगा बी, क्या होगा, वह होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इन सब क्वेश्चन को आप सभी ने अच्छे से देखा होगा दोस्तों। बात करें तो आप सभी के सामने यह 15 क्वेश्चन थे, और आप सभी की बात करें तो 15 क्वेश्चन के साथ साथ आप सभी को जीन पियाजे का जो संज्ञान विकास का सिद्धांत था, उनके जो द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, बुक लिखी गई थी, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप सभी को जीन पियाजे से संबंधित जो शब्द थे उसको भी आपने समझ लिया, जो उनकी अवस्थाएं थी 4 अवस्थाओं में जो उनका क्रम था उसमें विशेषताएं थी उसे भी आपने देखा। उसके तहत आप सभी ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप सभी ने पूरा जीन पियाजे से संबंधित कोई
कोई भी क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कम से कम आप सभी के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी एक बार अगर आपको अच्छे से ना समझ में आया जरूर देखकर जाएंगे, क्योंकि आप सभी के पेपर में यहां से क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है, तो पूछे जाने की संभावना पूरा है। दोस्त एक इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने है, वह है यूपी त्रिवेशी पेट की कंप्लीट पैकेज की बात करें तो कंप्लीट कोर्स की बात करें तो 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच लेंगे 249 का है, और डिटेल बुक लेंगे तो आप बात करें 299 का है। पेट प्रैक्टिस बुक लेंगे तो 90 रुपए का है, और कॉम्बो बैग बुक लेंगे तो आपका 350 का है। तो आप सभी के सामने या तो इन्फॉर्मेशन था, किसी भी जानकारी के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए, इस पर आप सभी बात करके अपने जो भी समस्या हो उसे समाधान कर सकते हैं। और आप सभी के सामने मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सर के द्वारा चलाई जा रही है, आप सभी इसमें बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इंडिविजुअल बैच है, आप सभी को अच्छे से प्रोवाइड की जाएंगी, और इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर आप सभी के सामने है दोस्त। तो यार तो आप सभी के सामने जीन प्याजी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो आप सभी ने अच्छे से सीखा है और पढ़ा होगा दोस्त। मुझे पूरा विश्वास है आप क्लास जब एंड हो जाए तो एक बार आप जरूर पॉजिटिव कमेंट देने की कोशिश कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और कैसे आपको सिखाया गया। कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दें। अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मित्र, नमस्कार।